18वें अध्याय का 18वां श्लोक हो गया था, आज 19वां श्लोक। हमने अभी तक क्या सीखा 18वें अध्याय में? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, है ना, 18वें श्लोक में हमने सीखा। अब 19वें श्लोक पे आते हैं। 19वें में क्या बता रहे हैं भगवान? ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदेव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षु वृक्षणु तान्यपि। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद होते हैं। अब तुम मुझसे उन्हें सुनो। अब यहां क्या बता रहे? ज्ञान, कर्ता, कर्म। वहां हमने सुना ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान। अब यहां क्या है? ज्ञान, कर्म, कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र में तीन प्रकार के बताए गए, ये ज्ञान, कर्म और कर्ता। अब ये बात यहां पर और गहरी हो जाती है तो समझने वाली है। हर कर्म, हर ज्ञाता, हर ज्ञाता ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया, जिस ज्ञेय से प्राप्त किया, अब इन तीनों के विषयों में भी भगवान कह रहे हैं इनके भी गुणों के भेद होते हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनकी भी फिर आगे तीन प्रकार की डिवीजन होती है। अब ये सारी डिवीजन है वह सांख्य शास्त्र की है। तो सांख्य शास्त्र। अब 20वें श्लोक में क्या है? सर्वभूतेषु येन एकं भावं अव्ययं इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तथा ज्ञानं विधि सात्विकम्। अब ये 20वां श्लोक, 19वें श्लोक में जो बताया कि इनके तीन तीन डिवीजन है, ज्ञान, कर्म और कर्ता, ठीक है। तो 20वें श्लोक में क्या बता रहे? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। क्या बता रहे हैं यहां पर? जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक जानो। इन पंच महाभूतों के द्वारा, पंच महाभूत मोनिका, इन पंच महाभूतों के द्वारा जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि के अंदर जो जान रहा है, उसे जानने वाले का ज्ञान एक होता है, वो है सात्विकी। जहां एक ही अविनाशी परमात्मा को सम रूप से सर्वभूतों में देखता है, ये जो देखना है इसको सात्विकी देखना कहते हैं। ये जो ज्ञान है सात्विकी ज्ञान है, और इस सात्विकी ज्ञान की अनुभूति तो भैया परम सात्विक व्यक्ति को ही हो पाएगी, जयराम जी की, जिनके अंदर से सब प्रकार के मल विक्षेप आवरण छूट गए। यहां ज्ञाता ने अपने आप को भी जान लिया है, और अपने से अन्यत्र जो भूत प्राणी हैं, जो पंचभूत हैं, उन सबको भी जब वो जानता है, जब वो देखता है, तो इन सब विभिन्न भूतों में, इन सभी विभिन्न एलिमेंट्स में एक ही परमात्मा सत्ता को देखता है। ये जो एक एकत्व का आकर्षण है, इसको सात्विकी दर्शन कहते हैं। अब 21वां श्लोक, 21वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? पृथक पृथक त्वेना तु यत ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। अब हमने जान लिया पहले सात्विकी। अब इस श्लोक में कह रहे हैं, 21वें श्लोक में, जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भागों, अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को राजस मानो, राजस जानो। जिस जानने में भूतों की उपस्थिति का पता चले और भूतों के गुणों का भी पता चले, और इस मन में विभिन्न जो भावना है ना, विभिन्न जो विचार उठते हैं, विभिन्न जो एहसास उठते हैं, उन एहसासों को भी जो जानता है, और बाहर सृष्टि में जितना भूत जगत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इनके द्वारा बने गए सब पदार्थ, इन पदार्थों को इनके रज, सत, तम, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रंगों को जो जानता है,
ये ज्ञाता का जानना राजसिक होता है। अब यहां क्लियर हो गया सात्विक और राजसिक, अब क्या बचा तामसिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक 22वां, ये थोड़ा लंबा भी है, 10 मिनट चलेगा। यत तू कृत सन्वत एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अतत्व अर्थवत अल्पम च तत तामसम उदाहतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है वह तामसी कहा जाता है। अब देखो इसकी डिटेल में जाते हैं, यानी एक जो एक ज्ञान एक ही शरीर में जानता है संपूर्ण अदृश्य संपूर्ण दृश्य में आसक्त रहता है लेकिन एक ही शरीर में, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रही जो तुच्छ ज्ञान है उसको तामसिक ज्ञान कहते हैं। अब तुच्छ ज्ञान क्या है, तामसिक ज्ञान क्या है, जिसका ज्ञान सिर्फ एक शरीर और एक अंतकरण में ही सीमित है और अपने ही इसी शरीर में जो आसक्त है, जो इस क्षणभंगुर शरीर को अविनाशी जान के इसी में अपने मैं को स्थापित कर लेता है, फिर इसी में भाव से बिना किसी युक्ति माने बिना तत्व ज्ञान के बिना विवेक बिना ज्ञान के बिना समझ के जो कुछ जानता है उस जानने को तामसिक ज्ञान कहते हैं। तामसिक जानना है ना। अब ज्ञान क्या हुआ, ज्ञान तीन प्रकार का हुआ यहां पर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सात्विक ज्ञान राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। अधिकतर लोगों के पास सिर्फ तामसिक ज्ञान होता है, देह भाव में रहते हैं, मैं शरीर हूं ये शरीर मेरा है और स्वयं को शरीर जानते हुए अज्ञानी चित्त वालों का जो भी जानना होता है वो तामसिक कहलाता है ना। तो ये तामसिक वालों का हो गया, ज्ञान तो है, ज्ञान क्या है, मेरा नाम चंदूलाल और ये मेरा शरीर, तो वो जो देह को अपना मानता है और खुद को देह मानता है, I am so है ना। इस तमोगुण से एक कदम ऊपर जो चलता है तो फिर ऐसा जानना है कि जहां अपने आसपास की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ कलर्स इमोशन थॉट्स फीलिंग्स ऑल दिस, ये सब की सब इस संसार में जो भी दिखते हैं जिसको ये सब दिखाई देता है उसका ज्ञान राजसिक होता है। उदाहरण के लिए और सरल बताते हैं, एक दिया जल रहा है ठीक है, रोशनी फैल रही है और पास में कोई पदार्थ नहीं हो तो वो स्वयं को रोशन करता है ठीक है, कोई चीज नहीं पड़ी है, एक दिया जल रहा है पर कोई चीज नहीं है तो वो खुद को रोशन करता है, यानी कोई पदार्थ है तो उसको रोशन करेगा, नहीं है तो खुद को प्रकाशित कर रहा है, उसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं। अब इसी रोशनी के आगे हमने अनेक प्रकार के पदार्थ रख दिए, सामान रख दिए ठीक है, अनेक आकाश अनेक रंग अनेक चीजें रख दी दिए के आगे, अब क्या हुआ, ऑल दिस डिफरेंट शेप्स कलर्स फॉर्म ऑब्जेक्ट आर नाउ इन फ्रंट ऑफ लाइट्स। तो जो रोशनी उस दिए से निकल रही है वो अब इन सब चीजों के ऊपर पड़ रही है जो हमने चीजें पदार्थ रख दिए। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोशनी की रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, है ना, रोशनी को कैसे, जैसे बिलब होता है ना लगा हुआ अपने घर में, तो बिलब के ऊपर लाल कागज बांध दो तो लाल कलर के वो झूमर आते हैं, उसके ऊपर लाल डाल दो तो लाल दिखता है, रोशनी लाल हो जाती है, और पीला डाल दो तो पीली हो जाती है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, कमल ने भी लिया था। ये जो रोशनी के रंग बदले जहां दूसरे कलर रिफ्लेक्ट बैक हुए ये राजसिक रोशनी हो गई जयराम जी की। और मान लीजिए अब कि एक दीपक जल रहा है और उस दीपक के आसपास हमने बहुत गहरा काला मोटा पर्दा सा कर दिया, पूरा दीपक को ढक दिया ठीक है, जिससे उसकी रोशनी वो पर्दे से बाहर न निकल पाए। अब रोशनी तो है पर बाहर नहीं आ पाती है ना, तो कुछ लोगों का अंतकरण तामसिक पर्दे से भरा है तो उनका ज्ञान जितना भी होता है शरीर तक सीमित रह जाता है, पशुवत जीवन इसी को कहते हैं, जहां सिर्फ खाया पिया कमाया सोया और स्वभाव से शरीर से
या मन से काम व्यवहार हुआ या कुछ भी काम किया तो औलाद पैदा की, बच्चे पैदा किए, लेकिन ऐसे लोग एब्सोल्युटली इनसेंसिटिव होते हैं, जड़ प्रकृति के, कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे, कुछ भी गा लेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, किसी के साथ भी चले जाएंगे, है ना। जिनके पास जरा सा भी बोध नहीं है, उनके अंतकरण में जो ज्ञाता है उस ज्ञाता का ज्ञान तामसिक है। यहां क्लियर हो गया, तामसिक कौन, राजसिक कौन और सात्विक कौन। वैसे देखा जाए तो ज्ञान ना तो राजसिक होता है ना तामसिक होता है, है ना। जैसे रोशनी ना पीली होती है ना लाल होती है, रोशनी तो सिर्फ रोशनी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोशनी पीली है, हो गई है, लाल हो गई है, नीली हो गई है। इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप कौन है, वो आत्मदेव है, है ना। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनेक भिन्नता और भाव नहीं होते, वो तो एक ही है, दूसरा तो रंग उसमें हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पर क्या ये समझाने के लिए बताया है? क्योंकि उसकी सीमित लिमिट कितनी है, पर जो दूसरे रंगों की प्रतीति हो रही है, जहां हो रही है, जिसको हो रही है, वो ज्ञाता का ज्ञान राजसिक हो जाता है। सात्विक की ज्ञान क्या है, जहां ज्ञाता अपने में भी, अपने में भी, अपने अंदर भी उस सच्चिदानंद घन को जानता है और बाहर संसत भरत जगत में पूरे समझ जगत भर में भी उसी एक अविनाशी को जानता है। अब ये जानना जो है वो सात्विक हो जाता है, यानी वो सबके अंदर राम देखता है, सबके अंदर शुद्ध आत्मा देखता है। बात यहां पर बहुत गहरी हो गई है, अगर इसे समझे आदमी तो इसको पकड़ पाना सरल नहीं है और हर किसी को समझ में आने वाला भी नहीं है। एक अंतकरण की भी तैयारी इसके लिए होनी चाहिए, अंदर से शुद्धता भी होनी चाहिए, दूसरी बात है विश्वास भी होना चाहिए। जैसे एक आदमी था, उसने क्या किया, जाके बैठा, वो मछली पकड़ता था, मछली पकड़ने के लिए बैठा, कांटा डाल दिया लेकिन मछली नहीं पकड़ पा रहा। भैया ये क्या चमत्कार हो गया, मछली नहीं आ रही कोई भी, बड़ी देर हो गई। देखा उठ के तो देखा नदी में मछलियां तो बहुत है, जहां पर कांटा डाला वहां पर मछलियां बहुत है, पर एक भी मछली फंसी नहीं रही, क्या करे परेशान। तो कोई वहां पर दूसरा बैठा था आदमी, उससे पूछा, भाई ये मछली क्यों नहीं फंस रही, यहां बैठा हूं कांटा डाला है, मछलियां भी हैं नीचे, फिर भी नहीं फंस रही। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि यहां पर कुछ दिन पहले एक संत आए थे, तो उनका ज्ञान जो चल रहा था इसी समुन्द्र किनारे पर बैठे बैठे सत्संग करते थे, तो उसका उस ज्ञान को उन्होंने मौन के ऊपर चर्चा करी कि मौन रहना चाहिए, एकादशी है, कम बात करो, फालतू की बातें मत करो दुनिया वालों से, है ना, काम काम है कुछ तो बात करो, नहीं तो फालतू की बकवास मत करो, मुंह को बंद रखो, मौन रखो, मौन रखने के क्या क्या फायदे हैं सब बता रहे थे संत। तो वो इन मछलियों ने भी श्रवण किया और ये मछलियां भी सीख गई कि चुप रहना है, और ये चुप बैठी है तो ये फंस नहीं रही है, इसलिए मुंह खोलेंगी खाने के लिए कांटा तो ये फंस जाएंगी, लेकिन ये फंस नहीं रही है। क्यों नहीं फंस रही है, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, संत की आज्ञा मानी। तो जब हम आज्ञा मानते हैं तो हमारा काम हो जाता है, एक ही काम होता है भक्त का, सिर्फ आज्ञा में चले, गुरु आज्ञा में चले तो वो पार हो जाएगा, उसे किसी की ताकत भी नहीं रोक पाए फिर। लेकिन क्या करते हैं, बात वही आ जाती है, हम संत को मानते हैं, संत की नहीं मानते, हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। तो हमें कृष्ण की माननी है, गुरु की माननी है, गुरु क्या कह रहे हैं उसको मानना है, आज्ञा पालन क्या है, आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा क्या है, है ना। तो आज्ञा का पालन जो करता है वो तो पार हो जाता है, जो नहीं करता है, जो अपने में रहता है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं कुछ हूं, मैं समथिंग हूं, तो उसका तो बेरा गर्क हो जाता है, फिर उससे तो कोई नहीं बचा सकता, है ना। इसलिए कहते हैं ना, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, यानी हरि रूठ जाए तो गुरु तो हरी से तुम्हारी सेटिंग करवा देंगे वापस, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो फिर हरी भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। ऐसा आता है शास्त्र में, हरी रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। खैर, तो आगे आते हैं। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि पूरी तैयारी आपकी नहीं है, है ना, इसलिए आपकी समझ में
अधूरी बात पड़ जाती है, आपको पूरी समझ में नहीं आती। आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको ज्ञान समझ आता है। आपकी क्षमता जहां खत्म हो जाती तहां आपके लिए विषय कठिन हो जाता है। जब आपका दिमाग 10 बातों में घूमता है तो आप क्या करते हैं, फिर आप सत्संग को पकड़ नहीं पाते। एक बात पकड़ेंगे, दो बात पकड़ेंगे, फिर याद आएगा, चार बातें तो मिस कर दी, है ना। इसलिए एग्जाम्पल के लिए इवन हम भी ऐसे ही करते हैं, जो गुरुजी का सत्संग हुआ उसको बार बार देखने का, दो बार तीन बार, अरे यार ये बात तो मैंने पहले सुनी नहीं, बाद में याद आता है, ये बात कैसे नहीं सुनी मैंने, ये बात कैसे नहीं सुनी, क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं होता पूरा, है ना। तो ऐसा कई बार सबके साथ में होता है, तो इसलिए हमें पूरा ध्यान करना चाहिए। तभी संत कहते हैं बार बार कि सेवा करो, सेवा करो निस्वार्थ भाव की। सेवा से अंतकरण की शुद्धि होती है, भक्ति भाव से अंतकरण की शुद्धि होती है ना। तो भक्ति तो करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई जप करते, तो मन में लालसा रहती है, हमारी ये विश पूरी हो जाए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, भक्ति इसलिए कर रहे हैं। और सेवा जो करते हैं जहां पर मान बढ़ाई मिले, नाम मिले, है ना, तो सेवा सेवा वहां करो, निस्वार्थ भाव की सेवा करो, निस्वार्थ भाव की सेवा करो, भला करो दूसरों का। आज एकादशी है, एकादशी की कथा भेजो सबको, सब सुने, पुण्य आपका भी बने, उनका भी बने। राम राम इति मंत्र जप करवाओ, खुद भी जपो, घर वालों से भी जपवाओ, तुमको भी पुण्य मिले, उनको भी पुण्य मिले। तो यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर आप सेवा तो कर रहे हो, कर्म तो कर रहे हो, लेकिन ये सेवा आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो कि दूसरे सुने। फिर भी आपको पुण्य तो आएगा ही आएगा, वो तो हम बता रहे हैं कि पुण्य भी आएगा, लेकिन वो आपको नहीं सोचना है। आप किस भाव से कर रहे हो कि चल सामने वाले का भला हो, उसको एकादशी की कथा भेज दी, उसको सत्संग भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया, शेयर कर दिया। अब क्या हुआ, सामने वाले ने सुना, उसके अंदर ज्ञान बैठ गया, थोड़ा सा भी ज्ञान बैठ गया, तो वो जो करने लग गया भक्ति, उसका पुण्य ऑटोमेटिक किसके खाते में जाएगा, हमारे ही खाते में जाएगा ना। लेकिन हम वो चीज सोचते नहीं, हम क्या करते हैं, वो काम करना पसंद करते हैं जिसमें सेवा, वो करना चाहते हैं जिसमें हमको मान मिले, बढ़ाई मिले। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह माता जी वाह, वाह प्रभु जी वाह, वाह गुरु जी वाह, क्या सत्संग किया, क्या ये आनंद दिया, क्या आपने मस्त सेवा करी। जहां पर मान मिले वो सेवा करना चाहते, सेवा वो होती है कि एक हाथ दे दूसरे को पता भी ना चले, ऐसी सेवा होती है ना। सेवा ऐसी करें कि गुरु को पता चले तो चले, बाकी किसी को पता भी ना चले, ऐसी सेवा हो जाए, तो वो सेवा बहुत ज्यादा फलदायी होती है। तो ही इस ज्ञान को जब सेवा से अंतकरण, सेवा करेंगे तो अंतकरण की शुद्धि होगी, भक्ति भाव से अंतकरण की शुद्धि होगी, तो ही इस ज्ञान की समाहि आपके अंतकरण में होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात मुश्किल नहीं है, फिर कहता हूं इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, इस बात को। सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण तीनों आए हैं। एक समझो, ऐसा जानना है कि जिससे मैं सिर्फ स्वयं को जानता हूं और मेरे उस जानने में न अंतकरण है, न बुद्धि है, न मन है, न शरीर है, फिर मेरा ही एक जानना ऐसा है जिसे मैं अपने आप को जीव जानता हूं, अपने आप को मन बुद्धि शरीर से जुड़ा हुआ मानता हूं, शरीर से इंद्रियों के बाहर विषय जगत है, है ना, उसको भी जानता हूं, सुख दुख आते हैं उसको भी जानता हूं, बुद्धि में जो विचार उठते हैं उसको भी जानता हूं, तो ये मेरा जानना राजसिक हो गया। ऐसा जो जानता है वो राजसिक हो गया। फिर जब अंतकरण गहरी निद्रा या बेहोशी में चला जाए, आंख तो खुली है पर अंतकरण में तमस है, ऐसे समय पर जानना तब भी होता है पर वह जानना तामसिक होता है, जिससे जानने में मैं जान रहा हूं ये भी पता न चले, उसे कहते हैं तामसिक ज्ञान। यानी समझो, गहरी नींद में सो रहा हो मनुष्य, जागने पर कहता है कि मैं नींद में था, मुझे कुछ पता न चला, पर अगर तुम्हें कुछ पता न चला तो उस विषय में तुम अब कैसे बोल सकते हो, इतना कैसे बोल रहे हो कि मुझे कुछ पता न चला। पर देखा जाए तो किसी तल में अंदर जागना उसका भी हो रहा है ना, पर वो एक सेपरेशन नहीं दे पा रहा है, बस इतना ही सेपरेशन देता है कि मैं बेहोशी की तरह सोया और मुझे खबर भी नहीं थी। जिस समय बेखबरी थी, कोई तो इस बेखबरी की भी खबर ले रहा था, पर आदमी इतना बेखबर है कि उसको ना अपनी बेखबरी का पता होता है और ना उस बेखबरी का एहसास होता हो, तो ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को हम तामसिक ज्ञान कहते हैं, है ना। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब इंद्रिय जो करण है इसकी अनुपस्थिति हो जाए, ज्ञाता भी सो जाए,
तो बाहर विषय का पता कैसे चलेगा? अब दूसरी इंद्री भी जागृत है ना, ज्ञाता भी जागृत, पर फिर भी उसको पता नहीं चल रहा। ये हो गया तामसिक ज्ञान। मैं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर सोल हूं, सबके अंदर राम, सबके अंदर राम समाया। ये हो गया सात्विक ज्ञान। अब ये जागृति कब आए? जब निंदा रहित हो जाए, दोष रहित हो जाए, दूसरों में दोष ना दिखे, है ना। दोष सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दोष देखना। हम क्या करते हैं? पल पल पे दोष देख लेते हैं, है ना। लेकिन भुगतना पड़ता है, निंदा भी भुगतनी पड़ती, दोष भी भुगतना पड़ता है। एक छोटी सी कथा बताते हैं आपको, एक मिनट की, फिर समाप्ति करते हैं। एक राजा था, राजा बहुत धार्मिक था। उसने क्या किया, अपने गांव में साधु संतों को बुलाया। कोई बड़ा दिन था, खाने के लिए बुलाया, जैसे एकादशी। हाँ, एकादशी थी, राइट। आज भी एकादशी है, उस दिन भी एकादशी थी। तो एकादशी का दिन था, बोला कि सारे साधुओं को बुलाओ। बुलाया तो उनको सबको खीर खिलवाई, है ना, साबूदाने की खीर बना के या दूध की खीर बना के उनको खिलवाई। तो हलवाई जो बना रहा था, 100-150-200 साधु आए थे, हलवाई खीर बना रहा था। और खीर बनाते में जो बना रहा था खुले में, तो वहां से ऊपर से कोई चील गुजर रहा था। चील गुजर रहा था तो उसके मुंह पे सांप, सांप को लेके आया था, सांप लटका हुआ था उसके जो उसके दांतों पर। तो जैसे ही लेके जा रहा था, तो सांप का ऊपर से एक बूंद जहर गिर गया, किसमें, दूध के अंदर, उस खीर के अंदर। और पता नहीं चला किसी को, हलवाई को भी पता नहीं चला, गिरा तो है ना सॉफ्ट पानी की तरह गिरा, पता नहीं चला। अब वो सारा का सारा दूध लेके गए, गिलास बना के, कूलर बना के, सारे साधु संतों को परोसा। साधु संतों ने राजा को कहा, पहले तुम पियो, तुम राजा हो। तो राजा बोला, महाराज माफ करो, माफ करो, आप संत लोग हो, पहले आप पियो। तो उन संतों ने पीना शुरू किया, और जैसे ही सबने मुंह से लगाया, और पीते ही सबका राम नाम सत्य हो गया। अब राम नाम सत्य जो हो गया, सारे के सारे मर गए। अब यहां टेंशन यमराज की, आखिर इसका दंड किसको दे? न तो गलती सांप की, न तो गलती उसकी जो चील लेके जा रहा था उसको, न उसकी गलती, न तो उस मिठाई वाले की गलती, इसकी जो बना रहा था खीर उसकी भी गलती नहीं, न परोसने वाले की गलती, न राजा की गलती, न पीने वाले संतों की गलती। लेकिन ये जो मर गए, इनका दोष किसके ऊपर जाएगा? आखिर क्या करें, क्या करें? महीना डेढ़ हो गया, यमदूत ढूंढते रहे, किसको ढूंढे, किसको ढूंढे, किसके ऊपर आरोप लगाए, नहीं मिला कोई। फिर कुछ दिनों के बाद में कुछ 4-5-10 साधु संतों की टोली उस गांव में आई, पता करने कि भाई यहाँ पर 100-150 संतों के साथ ऐसा हो गया था। आए, आके तो एक माई से एड्रेस पूछा, माई ये राजा का महल किधर है, बता सकती हो? वो बोली, हाँ हाँ बता सकती हूँ, आगे से राइट जाना, फिर लेफ्ट लेना, फिर सामने देखोगे तो महल दिखाई देगा, वही महल है, चले जाओ। तो जाने लगी, बात खत्म हो गई। फिर उनको रोका, रुको रुको रुको, एक बात बोलती हूँ, संभल के जाना, वो राजा दरिंदा है, वो सारे संतों को मार देता है, उसने पहले 150 संतों को मार दिया, तो तुम संभल के जाना। अगर कुछ खाना पीना नहीं, खाने पीने में जहर मिला के देता है वो, ऐसा बोल दिया। ओ, ऊपर से यमदूत खुश हो गए, मिल गया मिल गया मिल गया, वो 150 संतों का आरोपी मिल गया। किसको दिया आरोप? इस औरत को दो। क्यों दो? क्योंकि इसने निंदा कर दी, इसको पता नहीं था। हम क्या करते, अभिप्राय कर लेते हैं, ये चोर है, ये फलाना है, ये ढिमका है, किसी के बारे में कान से सुना। अरे तुम, तुम्हारे पास विवेक है कि नहीं है? विवेक है ना, तुम देखो ना सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, तुमसे क्या लेना देना है उसका। आप देखो ना, आपसे क्या लिया, सपोज करो अगर कोई आपको कमल के बारे में भी बोले, एग्जाम्पल, या किसी डिवोटी के बारे में बोले, तो आप जस्ट रियलाइज करो ना कि वो डिवोटी आपसे क्या ले रहा है, पैसा ले रहा है, फल फूल ले रहा है, खाना ले रहा है, क्या चीज ले रहा है आपसे। हम क्या करते हैं, मन गलत बस विश्वास कर लेते हैं, अभिप्राय कर लेते हैं, किसी ने बोल